दोस्तों आज का ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनफैक्ट जब आया था इसके बारे में न्यूज़ तभी मुझे बताना था, लेकिन मैंने कहा देर आए दुरुस्त आए, कर देते हैं वीडियो। बात करने वाले हैं दोस्तों इसरो ने नाविक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जो बनाया है उसके बारे में। सब कुछ बताने वाला हूँ, कौन से स्मार्टफोन सपोर्ट करते हैं, नाविक की क्या खासियत है और बाकी सब कुछ। देखते रहिए, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आर कमिंग टू यू। लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। एवरी इंडियन शुड बी प्राउड। जी हाँ, इसरो ने जो करके दिखाया, मैं आपको एक बैक स्टोरी बताता हूँ क्विकली। कारगिल के समय इंडिया के पास नेविगेशन सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने यूएस से पूछा कि भाई हमें आपके जो सैटेलाइट्स वगैरह उसके पिक्चर्स दे दीजिए ताकि हम देख सके कि कारगिल में क्या हो रहा है। यूएस ने कहा हम नहीं देने वाले हैं। तभी डिसाइड किया इसरो ने कि हम खुद का बनाएंगे एंड फाइनली इट इज वर्किंग एंड लाइव। और एक बात दोस्तों, ये हम जो है इंडिया चौथी कंट्री है जिनके पास ये है, पहले यूएस, रशिया, चाइना एंड देन इंडिया। डजंट इट मेक यू रियली प्राउड। और दोस्तों ये नाविक NAVIC, ये नाम भी कितना अच्छा है। जी हाँ, हिंदी में नाविक यानी जो बोट चलाता है, सेलर, नाव जो चलाता है, वो जैसे बस का ड्राइवर होता है वैसे नाव का नाविक होता है। लेकिन उसका फुल फॉर्म भी है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ऐसे NAVIC ऐसे किया हुआ ये नाम है दोस्तों। इसे IRNSS के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली उसका मतलब है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। सो बेसिकली GPS ग्लोनास बेडू के साथ आ गया है नाविक। तो दोस्तों ये जो नाविक है ये बेसिकली 7-7 सैटेलाइट्स हैं ऊपर जो ये आपको जो कवरेज देते हैं, नेविगेशन सिस्टम देते हैं, ये 7 सैटेलाइट्स करते हैं। और इसरो ने कहा है कि वो इंक्रीज करने वाले हैं 11 तक, और उससे भी ज्यादा आने वाले जो लॉन्चेस होने वाले हैं उसके थ्रू सैटेलाइट्स भेजेंगे ताकि कवरेज और भी बढ़े। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं स्मार्टफोन्स के बारे में। मैंने आपको नेविक के बारे में तो बता दिया, बहुत सारे अब जो नए नए फोन्स आने वाले हैं जिनके ऊपर नए चिपसेट होंगे उसमें नेविक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब GPS ग्लोनास के साथ में आपको नेविक भी मिलेगा एंड दैट हैज सम बिग एडवांटेजेस। पहले बता दूं कौन से प्रोसेसर्स अभी सपोर्ट करते हैं, जो SoCs हैं वो है दोस्तों SD460, मतलब Qualcomm Snapdragon 460, 662, Qualcomm Snapdragon 720G, 765 और 765G एंड ऑब्वियसली 865। और एक क्लैरिफाई कर दूं, सबसे पहला जो फोन सपोर्ट करेगा दोस्तों, टेक्निकली मैं कहूंगा इट विल बी Realme 6 या Realme 6 Pro, जिसमें भी 720G होगा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि 865 सपोर्ट करता है जो X50 Pro पर है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता है, वो अप्रैल में अपडेट आने वाला है, उसके बाद में नेविक को सपोर्ट करेगा। देखिए, एक SoC या फिर एक प्रोसेसर के अंदर आपको हार्डवेयर लगता है जो सपोर्ट करेगा, जो बात करेगा उस सैटेलाइट सिस्टम के साथ, और वो 865 में है, सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। और अगर आप पूछोगे कि जो पुराने बाकी के फोन है 712, 700, 665 वगैरह, पहले के जो भी प्रोसेसर्स हैं, जो स्मार्टफोन है जिनके पुराने प्रोसेसर्स हैं, उसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि इट रिक्वायर्स हार्डवेयर, सिर्फ सॉफ्टवेयर से नेविक नहीं आ सकता है। और दोस्तों सिर्फ स्मार्टफोन्स ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फायदे हैं। जैसे बताया मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाएगा, पब्लिक या फिर मासिस के लिए आपके स्मार्टफोन्स में भी इंटीग्रेशन किया जाएगा, मरीन, जी हाँ बहुत बार ऐसे होता है कि आपके जो ओशंस हैं उन्हें भी देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, उसके लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाएगा। टोटल कुछ 1500 स्क्वायर किलोमीटर्स ये कवर करेगा, मतलब नियरली इंडिया का जो मास है, नियरली मोस्ट ऑफ इट विल बी कवर्ड बाय दिस नेविक। और सबसे अच्छी बात, खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम होने की वजह से जो भी डेटा है दोस्तों हमारे पास होगा, इंडिया में होगा, हम कंट्रोल करेंगे, वी डोंट हैव टू आस्क एनीवन फॉर इट। यस, चलिए अब मैं बताता हूं कि फायदे अगर आप कंपेयर करते हो GPS या ग्लोनास वगैरह के साथ तो क्या फायदे हैं। बेसिकली इट इज सुपीरियर। क्यों? एंड इट इज फास्टर एज वेल। क्यों? क्योंकि ड्यूअल बैंड पे ये काम करता है, L5 एंड S बैंड, इसके ऊपर नेविक काम करता है। वेरेज अगर आप GPS वगैरह के पास देखोगे तो इट इज सिंगल बैंड, जिसकी वजह से नेविक जो है वो फास्टर डेटा आपको देगा, दिखाएगा, मोर एक्यूरेट दिखाएगा। और दोस्तों अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो सैटेलाइट आपको अप टू 10 मीटर, मतलब आपका ग्राउंड है 10 मीटर तक एग्जैक्टली बताएगा, टेरेन जो भी है, जो भी चीजें हैं क्लियरली दिखेंगी अप टू 10 मीटर्स, विच इज ऑसम। अगर ओशन के पास देखते हो आप तो 20 मीटर्स रेंज हो जाती है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा गया नेविक इज अ बिग
ब्रेक थ्रू फॉर अस इंडियंस, हम स्मार्टफोन यूजर्स के लिए और ज़्यादा एक्यूरेट डेटा मिलेगा और ज़्यादा फास्टर हम जब मैप्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे और भी ज़्यादा एक्यूरेटली और भी ज़्यादा फास्ट हमें दिखेंगे, क्लियरली दिखेंगे, विच आई थिंक इज़ अ बिग थिंग। याद रखिए दोस्तों, ये इसरो ने बिल्ड किया है नेटिवली इंडिया में विदाउट एनी वंस हेल्प। This is a big thing, this is a big feather in our cap. Thank you, ISRO. बस दोस्तों यही बताना था आपको Navic के बारे में। सभी स्मार्टफोन्स में आने वाला है Navic, नए स्मार्टफोन्स में, नए प्रोसेसर्स में, जैसे मैंने बताया आपको। ये जो वीडियो है दोस्तों, ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, WhatsApp ग्रुप्स पे डालिए, पता चलने दीजिए कि ISRO ने क्या काम किया है और इसकी वजह से कितने फ़ायदे होने वाले हैं सभी लोगों को, स्पेशली इंडियंस को। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।